वेलकम बैक टू दुबई। हमारा शाम दोरजी भाई ने दीदी का वीजा निकाल के दिया था। और दीदी फाइनली कहाँ आ गया? दुबई में। ये एक्चुअली मेरा रिस्पॉन्सिबल था दीदी को नेपाल से यहाँ दुबई लाना। गुड मॉर्निंग। पहला दिन है आज दुबई में। कल शाम तकरीबन कितना बजे पहुँचा था? रात का 7 बजे पहुँचा। उसके बाद खा पी के सो गया। तो आज पहला दिन है दुबई में। आगे काम तो करना पड़ेगा राइट। उससे पहले मैं फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश होके मिलते हैं। चलिए बस रेडी हो गया, आप निकलते हैं बाहर। बाय। वेलकम बैक टू बार दुबई। दुबई के अंदर भर दुबई। देखो सारा मैच खेल रहे, एंजॉय कर रहे हैं बराबर। सो फाइनली बहुत दिन के बाद मेरे साथ है अपने भाई मिस्टर सांदौर जी। मैच हो रहा है जम के। आज संडे, जो इतना लोग जमा है संडे। ओह संडे आज। ये देखो संडे में कितना लोग जमा पर आए यहाँ। माय गॉडनेस। हम जाएंगे पहले जहाँ मैं रहता था। यदि आप मेरा वीडियो कंटिन्यूस देखा होगा तो पहले का वीडियो में दिखा होगा मेरा एक जो फ्लैट था वो मैंने छोड़ के अभी दूसरा फ्लैट में आया, जहाँ पे अभी सांगदौर जी रह रहा है, मैं वहाँ रहता हूँ अभी। तो पहले का फ्लैट में जाते हैं क्योंकि वहाँ मेरा वाइफ का सिस्टर है, उसके लिए कुछ प्रेजेंट लाया है नेपाल से। तो ड्रॉप करते हैं, ये सब दे के आते हैं उनको। फिर उसके बाद करामा जाते हैं। करामा जाके एक दीदी और भैया से मिलना है। भैया का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है बोल रहे हैं। और दीदी का वर्किंग वीज़ा निकाल के दिया था मैंने, तो इसलिए दीदी ने डिनर के लिए इनवाइट किया है मेरे को और सांदौर जी को। हालांकि नाम के लिए उसका वीज़ा मैंने निकाला, जबकि प्रोसेस पूरा सांदौर जी ने किया है। वर्किंग वीज़ा तो नहीं भेज रहा। यहाँ से जो भेजा था ना, कैसा था? आसान था या तकलीफ था? मालूम नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ मेरे भाई देखा मैंने। अच्छा देखा। आप भी आ जाए, आपका नाम बताइए। तिरुपति। कहाँ से आप? हैदराबाद। आज यहाँ क्या करते हो? इधर ड्राइवर है। ड्राइवर है? मैं भी ड्राइवर हूँ। सर सर ये क्या कहते हैं, मैं दुबई मॉल में गाड़ी चला रहा हूँ। कौन सा नाम है यूट्यूब का? जीएस प्रोमो। बॉस आपके नाम? मेरा नितिन। नितिन, अरे आपको मिल के अच्छा लगा सब यार। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जीएस प्रोमो जी। हाँ जी मिलते हैं। ओके तो अभी हम चलते हैं न्यू रोला बिल्डिंग, वहाँ जाके मिलते हैं। ठीक है। ये वही जगह है जिस जगह का नाम है रोला स्ट्रीट। और पहला मेरा फ्लैट यहीं था, हम लोग यहीं रहते थे। वो जो आपको दागे आगे नज़र है ना वो वाला फ्लैट, में उस फ्लैट का नाम है न्यू रोला बिल्डिंग। सॉरी, बिल्डिंग का नाम है न्यू रोला। और वहाँ पे रहते थे हम लोग, मैं सांदौर जी और भी हम लोग के दो दोस्त लोग हैं, वहीं रहते थे। हालाँकि हम लोग ने अभी फ्लैट दूसरे जगह में लिया हुआ है। बड़ी का बहन को मिलने आया। बड़ी का बहन आजा, खुल गया। हेलो, तीसरा नंबर, तीसरा थर्ड फ्लोर में। जोड़ ले। आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। वीडियो बना रहा है। वीडियो बने बना रहा है दीदी। अरे पटन नंबर है ना, जोड़ ले। दिस इज प्रूफ। मैंने सामान लिया था यो एनर से तपाईको यो त आफु मान्छेको। सो ये फ्लैट है किसका? ये मैडम जी का। मेरे वाइफ की बहन होने वाले साली जी। चलिए क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या खाने बोलो? जो भी खिलाएगा आप। फिलहाल तो मेरे को पानी पिला दो। फिलहाल पानी दे दूंगी, आ जाओ। सही उनके कह रहे, देखो सब एंजॉय कर रहा है। एंजॉय आराम से। ओहो हो 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 सही 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 सही।
ये है दुबई लाइफ, देखो कितना बढ़िया है, सारा लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाल्नु पर्यो भो, रियल लाइफ हो भो, हाल्नु पर्छ भो। यो 1800 को अहिले 1600 पाइन्छ पहिले। अब यहाँ से फिर से घर जाना होगा यार, घर जाके मोबाइल लेके आना है, मोबाइल लाना भूल गया तो मोबाइल तो लाजिम है, मोबाइल लेके हम करामा चलते हैं। तो ये पीछे हमारा फ्लैट है यहाँ में इस बिल्डिंग में, और लगभग अब कितना 6 बज रहा है, हाँ देख लो कितना बज रहा है, लगभग लगभग 6 बजने के लिए 15 मिनट है और शाम होने वाला, आई मीन अंधेरा होने वाला है। वैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, और जैसे आपको बताया आज मेरा पहला दिन है वैकेशन से आने की बात, यार मुख भी क्या क्या निकलते जा रहा है। तो फिलहाल जा रहे हैं हम लोग करामा, और बर्दुबे से करामा तक चल के जाएगा, बीच में कुछ अच्छा लोकेशन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। और आज का जाने का मेन उद्देश्य मुख्य मकसद क्या है बोलने से, वहाँ करामा में एक सिस्टर है उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकाल के दिया था हमारा सांग दोरजी भाई ने, और ये सांग दोरजी का पहला ग्रेट अचीवमेंट बोलो सांग दोरजी ने किया है। और हाँ, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नेपाल में भेज सकना ये किसी बच्चों का काम नहीं है, यहाँ आके 5 साल 10 साल बैठने के बाद भी विजिट वीज़ा कैसे निकालना है, कितना खर्च लगता है किसी को नहीं पता होता है। शायद सांग दोरजी का विजिट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सबका खर्चा पता है ना, लेकिन नहीं खुद बता तुमको किसी का विजिट वीज़ा निकालना है तो कोई प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब किसी को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देना है तो प्रॉब्लम होगा खास यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे जिसका पास से देना है वो, मतलब यहाँ पे क्या बोलेगा, देने वाला मिल जाए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मालूम होना पड़ेगा। तुमको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं बस ये बोलो, मान लो कि कोई कंपनी है वो वर्किंग वीज़ा देना चाहता है, हाँ। जो बंदा लोग इंडिया में है या नेपाल में है ना, तो क्या तुमको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, कोई प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, बस पैसा होना चाहिए, पैसा होना, फिर उसका तुम उसका वर्किंग वीज़ा भी निकाल देगा, विजिट वीज़ा भी निकाल देगा, राइट? दिरम होना चाहिए। सही बात है। और तुमको यहाँ आके कितना साल हो गया अभी? एक साल। देखो एक साल में शांत हो चुके, ये पता हो गया कि यहाँ में वो विजिट वीज़ा कैसे निकालता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे निकालता है, सारा इनको पता हो चुका है। सो इसने जिस बंदा ने एक दीदी का निकाल के दिया है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उससे जाके मिलते हैं, क्या रहा उनका एक्सपीरियंस, और जो इनने डॉक्यूमेंटेशन किया था उससे कोई प्रॉब्लम हुआ या नहीं, बाकी बातें उनसे जाके पता करते हैं। लेट्स गो गाइस। आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, देखो रात में लगभग अभी 6 बज गए फिर भी मौसम इतना ज़बरदस्त है, और मैं फिलहाल बड़दुबा में हूँ, ये देख सकते हैं आप इतना बड़ा यहाँ में वो है क्लिनिक, और ये क्लिनिक का नाम है एस्टर, ये बहुत चलता है दुबई में। दिखा दूँ आपको दुबई का थोड़ा रास्ता, और एक बात बता दूँ, दुबई में बैठने के लिए ठंडा महीना इज़ द बेस्ट, द विंटर इज़ द बेस्ट, जैसे कि मैं एक टी शर्ट में मस्त घूम सक रहा हूँ, ना ठंडी है ना गर्मी है, यहाँ बहुत बढ़िया है, विंटर इज़ द बेस्ट। मगर जब आता है आपका समर सीज़न ना, फिर बैंड बजता है, पसीना होता है, बहुत तकलीफ होता है। और ये देखो ट्रैफिक लाइट्स रेड है, तो हम यहाँ इंतज़ार करते हैं खुलने का, यदि आप इंतज़ार नहीं करना चाहें तो यहाँ प्रेस करो ताकि वो जल्दी खुल जाए। ग्रीन एंड हम लोग यहाँ से करामा चल के जा रहा है, और करामा यहाँ से लगभग नहीं बोलने से भी 4 किलोमीटर कुछ होगा, 4-5 किलोमीटर दूर, चार वो करामा कितने किलोमीटर दूर हो सकता है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ना नहीं होगा, 3 किलोमीटर इसका तजुर्बा से बता रहा है कि 3 किलोमीटर होगा, मुझे लगा कि 4 किलो 5 किलोमीटर है, खैर जो भी हो इतना ही है लगभग, ज़्यादा नहीं है। तो हम वहाँ जाते हैं, और आज का डिनर का प्रोग्राम वहीं पे है, आपको मिलाएंगे जिसका वीज़ा सांग दोरजी ने निकाल के दिया उससे भी मिलाएंगे। और मेरा अपना तजुर्बा से बताऊँ तो आपको गोप्रो इज़ द बेस्ट फॉर द ब्लॉगिंग, मस्त है यार, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हालांकि अभी एक महीने के जो मेरा पास छुट्टी था उसमें मैंने क्या कहते कैनन से भी ब्लॉग बना किया है, और ये क्या कहते कैमरा से भी, मगर मुझे अपना तजुर्बा से क्या अच्छा लगा उनसे गोप्रो, क्यों बोलने से आपका ये छोटा है, आप जेब में भी डाल के जा सकते हैं, कहीं भी निकलो, और इसमें स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा, जैसे भी हिला ऊपर नीचे करो ना, इसका स्टेबलाइजेशन जो है ना बहुत अच्छा है, मगर कैमरा का स्टेबलाइजेशन नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको बहुत ध्यान से केयरफुली यूज़ करना होता है। और बाकी रहा सवाल
अपना अपना फीचर है। कैमरा का फीचर में ये है कि आप जूम कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, और जो कि हमारा GoPro में शायद जूम का फीचर नहीं है, शायद होगा भी मुझे नहीं पता, मैंने इतना इसका स्टडी नहीं किया, बस जब से ख़रीदा मैं ब्लॉग बनाते जा रहा हूँ और बाकी इसका वॉइस क्वालिटी भी इस ऑसम बढ़िया है। हालांकि फ़िलहाल भी मैंने माइक यूज़ नहीं किया है, और जो मैंने कैनन यूज़ किया था उसमें माइक करता था, वो क्या कहता है आपका, रोड माइक यूज़ कर रहा था मैं, और इसमें बिना माइक का मैं बोला जा रहा हूँ, लेकिन हालांकि आवाज़ बहुत आ रहा है क्योंकि यहाँ मेन रोड है, गाड़ी चल रहा है और काफ़ी लोग आगे पीछे चल रहे हैं, तो देख सकते हैं। थैंक्स। तो काफ़ी लोग यहाँ पे राइट लेफ्ट में हैं और यहाँ गाड़ी चल रहा है, इसकी वजह से आवाज़ बहुत आ रहा है। फिर भी उम्मीद करते हैं कि मेरा आवाज़ प्रॉपरली ये GoPro कैच कर रहा है, यही GoPro का खासियत है, जो कि एक अच्छी बात है ना। तो लगभग हम आ गए हैं ये अलवेदी मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से और एक स्टेशन जाना होगा जिसका नाम है बर्जुमान मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से हमें राइट लेना है डेस्टिनेशंस, वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी में। क्या है मेरे भाई, ये गाड़ी है या पूरा घर है कि पूरा ट्रक, बोलूँ इतना हैवी है ना, भयंकर है यार, मस्त है। और हम बर्जुमान आ गए, बर्जुमान मेट्रो स्टेशन बस यहीं 100 मीटर की दूरी में है, आपको दिखा दूँ। उसके बाद यहाँ से आपको क्या कहते हैं करामा, लगभग 2 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आता है ऐसा कुछ। सो फाइनली बर्जुमान मेट्रो स्टेशन आ गए हम, ठीक है, आगे अल्फाजी थे, अभी बर्जुमान में आ गया। यह है बर्जुमान का मेट्रो स्टेशन। और अभी हमें यहाँ से राइट जाना है करामा के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आधा होगा लगभग। तो चलिए चलते हैं आगे। यह है बर्जुमान मॉल, वो है बर्जुमान टावर, और बर्जुमान बिजनेस सेंटर यहाँ है। आप कंफ्यूज मत हो, कभी यदि किसी ने बुलाएगा आपको बर्जुमान बिजनेस सेंटर आओ बोलने से, वो ये है, यदि बर्जुमान टावर में आओ बोलने से वो है, और बर्जुमान मॉल में आओ बोलने से वो है, और बर्जुमान मेट्रो स्टेशन में आओ बोलते ये है। तो बर्जुमान मेट्रो स्टेशन का भी exit number 1, exit number 2, exit number 3 ऐसा होता है। सो कन्फ्यूज़ होने से पहले प्रॉपर उससे इंफॉर्मेशन ले लें बर्जुमान में आना कहाँ है, ठीक है। सो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर होगा, स्ट्रेट जाना है करामा, 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आधा ऐसे कुछ होगा, जो कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए मैं आपको झूठ भी नहीं बोल सकता और गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, जो मुझे लगभग पता है मैंने वही बताया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए कहाँ बोले तो करामा। ये शाम का वजह से रास्ता घूम गया था यार, कहाँ घूम गया है, लगभग सिर्फ यहाँ वहाँ से हमें यहाँ आने के लिए तकरीबन 30 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो गया। सो करामा में जो नया खुला है वो ये दुकान है जिसके नाम है डे टू डे, और ये बहुत बड़ा है। चलो क्रॉस करते हैं, एक मिनट भैया। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम लोग कर लिया, रास्ता क्रॉस कर लिया यहाँ से। ये डे टू डे है करामा का, वहाँ देखो ट्रेन जा रहा है, मेट्रो जा रहा है, बहुत बढ़िया। सो गाइस करामा का नज़र देखो कैसा है, यहाँ मैं छोटा छोटा इंस्टॉल बोल खोला है, टी स्पॉट कहते हैं ना ऐसा छोटा छोटा, यहाँ पे एक है ना बगल में, फिर यहाँ में एक छोटा छोटा हर एक जगह खोल के रखा है। हो भैया और दीदी का रेसिडेंस में इस बिल्डिंग में, और वो इसी फ्लैट में रहते हैं, तो हम जाएंगे और मिलेंगे उनसे, हाँ हेलो करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड पेडेस्ट्रियन, एंड संडे होने की वजह से कोई आदमी है नहीं, खाली खाली है रास्ता, हाँ हालांकि थोड़ा आगे भीड़ था वहाँ पे। अपने लोग जैसे के लिए बेस्ट, माइंड फ्रेश और माउथ फ्रेश के लिए है 11,
यहाँ से मिलेगा ना, यहाँ से मिलेगा इधर है वहाँ में वही है। हाँ ले गया। सो फाइनली हम लोग आ गए सिस्टर के पास, और जाने से पहले थोड़ा माइंड फ्रेश करके जाते हैं, कुछ पी लेते हैं, बहुत प्यास लगी है। लेबन अप पीते हैं, लेबन अप। एक दिरहम का है, मतलब एक रुपया, यानी इंडिया का हुआ 20 रुपये लगभग, 20-22 रुपये लगभग। सो गाइस, आज मैंने दिखाया आपको बर्दुबे से यहाँ खरामा तक, है ना। दूसरी बात, आज मेरा पहला दिन था आफ्टर द वेकेशन, और ये लेबन अप, इसको कहते हैं लेबन अप। थैंक यू मेरे भाई खोल के देने के लिए, हमने बहुत दिन के बाद फिर। देखो वहाँ झगड़ा हो रहा है, और ये आम बात है कारामा में, हमेशा झगड़ा होता था। ये है दुबई का लाइफ, दुबई का लाइफ। देखो छोटा छोटा घर, यहाँ में घर है, वहाँ घर है, वहाँ घर, यहाँ घर है, छोटा छोटा यहाँ घर है, और इन सारा का कॉमन किचन यहाँ है। नमस्ते, वेलकम बैक टू दुबई। आ रहा हूँ ना दीदी, वेलकम। तो हमारा सांग दोरजी भाई ने दीदी का वीजा निकाल के दिया था, और दीदी फाइनली कहाँ आ गया, दुबई में। सांग दोरजी थैंक यू मेरा काम कर देने के लिए। ये एक्चुअली मेरा रिस्पॉन्सिबल था दीदी को नेपाल से यहाँ दुबई लाना, हालांकि मैं खुद नेपाल से ला गया था, तो मेरा काम सांग दोरजी करके दिया। हमको भी नहीं मालूम कौन सा वो है, नहीं वो नहीं है ये। देखो विदेश की जिंदगी मेरे भाई, रूम इतना छोटा छोटा, एक रूम, दो रूम, तीन रूम, ये बाथरूम है कॉमन, ये बाथरूम है कॉमन। यहाँ में देखो एक रूम, दो रूम, तीन रूम, ये और जूता जाना को। ऐसा होता है विदेश की जिंदगी, क्या आपको विदेश आना है, फिर भी आना है तो आ जाओ मेरे भाई, हमारा भाई। नमस्कार, जूता खोल देते हाय। ये है मेरे भाई, हम लोग विदेश विदेश बोलते हैं, विदेश ऐसा होता है। देखो हम लोग रूम इतना बड़ा है, इतना मस्त है, देखा ना। तो विदेश में आना है नहीं आना डिसाइड कर लेना जीएस प्रोमो का चैनल देख के। कैसा हजूर, बिरामी बहुत ठीक हुआ कि नहीं, वाला भी बिरामी बह रहे। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, बस हम क्या कहते हैं बर्दुबे से यहाँ आया दीदी और भैया को मिलने के लिए। दीदी से मिल गया, भैया से मिल गया, अभी हम लोग यहाँ में अपना कन्वर्सेशन चलेगा, खाना पीना चलेगा, क्योंकि आज मेरे को यहाँ डिनर के लिए बुलाया भैया ने। सो बस इतना ही है, आपको मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय, सांदो जी से बाय, बाय 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 बाय, ओके गुड नाइट बाय। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो गाइस, उसका भी चैनल मैं दे देगा डिस्क्रिप्शन में।